स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फारी पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे एक नए चैप्टर का, और वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी वाक्यांश दिए होंगे और उन वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द लिखना है, और यह चैप्टर आपके ग्रामर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वह बच्चे जो TET की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, और UP बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए और इन शब्दों को खूब ध्यान से सुनिए, और इनका आप नोट भी बना लेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं वन बाई वन। तो बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं हम इसकी मेरी टाइटल से। वन वर्ड मतलब एक शब्द आपको लिखना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विकल्प के रूप में, यानी वाक्यांश दिया रहेगा और उस वाक्यांश के जो अर्थ होंगे वह एक शब्द में व्यक्त होंगे, इसी का हम अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वन हु लव्स बुक्स, जो पुस्तकों से प्रेम करता है बच्चों, उसको हम कहते हैं बाइबिलोफाइल। ये बाइबिल से बना हुआ है बच्चों, बाइबिल एक पुस्तक है ईसाइयों का, तो ये बाइबिलोफाइल का मतलब होता है वन हु लव्स बुक्स। और बच्चों इसी तरह से नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन गॉड, अथवा वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता हो बच्चों, उसको हम थीस्ट कहते हैं। थीस्ट का मतलब होता है बच्चों आस्तिक। ओके, आस्तिक यानी जो ईश्वर में विश्वास करे उसको थीस्ट कहते हैं, आस्तिक। सेकंड है बच्चों वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता बच्चों, उसको एथीस्ट कहते हैं। यानी थीस्ट के पहले ए लगा दीजिए, जिसका अर्थ होता है नास्तिक। तो बच्चों, अगर आपको एंटोनिम्स भी थीस्ट का लिखने को आता है तो आप एथीस्ट लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह से फोर्थ वर्ड है बच्चों, ये देखिए, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, ऐसा आदमी जिसकी पत्नी मर गई हो, तो जिसकी पत्नी मर गई हो बच्चों, उसके लिए एक वर्ड है विडोवर, और इस विडोवर का जो हिंदी होता है बच्चों वो होता है विधुर। ओके, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर जाए तो उसको हम विधुर कहते हैं, अंग्रेजी में विडोवर कहते हैं। एंड द फिफ्थ है बच्चों, ए वोमेन हुज हस्बैंड इज डेड, यानी एक औरत जिसका पति मर गया हो, तो आप जानते हैं हिंदी में वो विधवा कहलाती है, और उसको अंग्रेजी में बच्चों हम विडो कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से विडोर का भी अपोजिट विडो हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों वन हु वॉक्स ऑन फूट, जो पैदल चलता है बच्चों, उसको हम कहते हैं पदयात्री, जिसकी अंग्रेजी होती है पेडेस्ट्रियन। ओके, और उसको हम हिंदी में पदयात्री कहते हैं, यानी वन हु वॉक्स ऑन फूट का सब्स्टिट्यूशन ये है। सेवंथ है बच्चों, ए गार्डन वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन। ओके बच्चों, यानी ऐसा बगीचा जहाँ पर केवल फल लगाए जाते हैं, अथवा फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं, यानी फलों का बाग या बगीचा बच्चों वो कहलाता है ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब होता है फलों का बाग, वहाँ पर आप गार्डन नहीं लिख सकते। ओके, और आठवां है बच्चों, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेट्स, बच्चों जो कर्ज को पे करने में, ऋण को पे करने में असमर्थ हो, यानी बैंक से कर्ज तो ले लिया लेकिन उसको वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को बच्चों हम दिवालिया हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं बैंकरप्ट। आप ये समझ लीजिए, बैंक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है तो बैंकरप्ट। ओके, नेक्स्ट है बच्चों नाइन्थ इंट है, नौवा है दैट व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी वह ऑब्जेक्ट या वस्तु जिससे हम आर पार ना देख सकें, थ्रू का मतलब होता है जिससे हम आर पार ना देख सकें, उसे हम हिंदी में बच्चों अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं?
अपारदर्शी कहते हैं और जिसकी अंग्रेजी होती है ओपेक। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों, दैट व्हिच कैन बी सीन थ्रू, वह ऑब्जेक्ट या वस्तु जिससे हम आर पार देख सकते हैं उसको बच्चों हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट की हिंदी होती है बच्चों पारदर्शी। ओके बच्चों, और यदि माँ आपको ओपेक का एंटोनिम्स लिखने के लिए आ जाए तब आप ट्रांसपेरेंट लिख सकते हैं। और बच्चों नेक्स्ट है वन हु टोटली ऑब्स्टेन फ्रॉम लिक्वर। लिक्वर का मतलब बच्चों यहाँ वाइन, शराब, मदिरा। वह व्यक्ति जो हम टोटली लिक्वर से दूर रहता है, ऑब्स्टेन माने दूर रहना, यानी शराब से बिल्कुल दूर रहता है, नहीं पीता है, उसको कहते हैं टीटो टेलर। क्या कहते हैं? टीटो टेलर, जिसकी हिंदी होती है बच्चों मद परहेजी। मद माने मदिरा, मदिरा से परहेज करने वाला। ओके, नेक्स्ट है बच्चों फिट टू बी चूजन, यानी जिसे चुना जा सके, चुनने के योग्य हो, यानी वह उपयुक्त हो, सूटेबल होगा उसका, वन वर्ड। नेक्स्ट है बच्चों द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाई ए पर्सन, कोई व्यक्ति अगर अपना पहला स्पीच देता है तो उसको हम मेडन स्पीच कहते हैं। ओके, फर्स्ट स्पीच को मेडन स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, जो मछली का शौकीन हो, मछली पकड़ने का शौकीन हो बच्चों, उसको एंगलर भी कहते हैं और सेलर भी कह देते हैं, लेकिन एंगलर सेलर की तुलना में ज़्यादा उपयुक्त है। नेक्स्ट है बच्चों दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, ठीक, जिस चीज़ पर दैट कैन बी बिलीव्ड या ऑन व्हिच, इन व्हिच कैन बी बिलीव्ड बच्चों, तो इसका मतलब क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है बच्चों विश्वसनीय। नेक्स्ट है बच्चों दैट व्हिच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उसे इनक्रेडिबल कहते हैं, अविश्वसनीय। क्रेडिबल का अपोजिट इनक्रेडिबल है। नेक्स्ट है बच्चों ए स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी कहानी या अपनी जीवनी खुद लिखता है उसको कहते हैं बच्चों ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। ओके, स्वयं के द्वारा लिखी गई जीवनी को आत्मकथा कहते हैं। और स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स और अदर, अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो दूसरे की जीवन कथा को लिखता है, क्या कथा को लिखता है, उसको बच्चों हम बायोग्राफी या जीवनी कहते हैं। ओके, यानी जब कोई दूसरा आपकी आपके विषय में लिखे तो वह बायोग्राफी कहलाती है, और यदि आप खुद लिखे तो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। तो नेक्स्ट है बच्चों वन हु डज नॉट ईट फिश, जो मछली ना खाता फ्लैश बच्चों यानी मांस ना खाता हो, मीट ना खाता हो, उसको वेजिटेरियन कहते हैं। वेजिटेरियन का मतलब बच्चों शाकाहारी। वन हु ईट्स फ्लैश आर मीट, जो मांस खाता हो उसको बच्चों हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों वन हु बिलीव्स इन फेट, जो केवल भाग्य में विश्वास करे उसको बच्चों हम फैटलिस्ट कहते हैं। फैटलिस्ट का मतलब भाग्यवादी, उसको हम भाग्यवादी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों व्हिच कैन नॉट बी रेड, यानी ऐसी लिखावट जिसको पढ़ा ना जा सके उसको इलिजिबल कहते हैं। इलिजिबल का मतलब बच्चों अपठनीय। ओके, और व्हिच कैन बी रेड, जिसे पढ़ा जा सके बच्चों उसको लेजिबल कहते हैं, यानी पठनीय। तो बच्चों ये लेजिबल का अपोजिट इलिजिबल है, यानी पठनीय का अपोजिट अपठनीय है। ओके, तो इसी तरह से लेजिबल का अपोजिट इलिजिबल, वेजिटेरियन का अपोजिट नॉन वेजिटेरियन। ओके बच्चों, तो क्रेडिबल का इनक्रेडिबल। तो इस प्रकार से बच्चों जहाँ ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपका हेल्प करेगा, वहीं अगर आप इसकी अच्छे से जानकारी लेते हैं तो ये आपका एंटोनिम्स में भी हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी जिसको बांटा ना जा सके उसको कहते हैं अनडिविजिबल, जिसकी हिंदी होती है अविभाज्य।
नेक्स्ट है बच्चों, व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी व्हिच कैन बी डिवाइडेड यानी जिसको बांटा जा सके उसको कहते हैं डिविजिबल। डिविजिबल मतलब विभाज्य। व्हिच कैन बी हर्ड, जिसको सुना जा सके बच्चों उसको ऑडिबल कहते हैं यानी श्रव्य। और जिसको व्हिच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको ना सुना जा सके बच्चों उसको इनऑडिबल कहते हैं। ओके, यानी तो ऑडिबल का एंटोनिम्स इनऑडिबल है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हिच कैन बी सीन, जिसे देखा जा सके वह विजिबल। और नेक्स्ट है व्हिच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके वह इनविजिबल। यानी विजिबल का मतलब दृश्य और इनविजिबल का मतलब अदृश्य, यानी एक दूसरे के एंटोनिम्स भी हैं ये। और बच्चों नेक्स्ट है, वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करता है बच्चों क्या कहलाता, देशभक्त, और अंग्रेजी में पैट्रियॉट कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, हु डाइज फॉर द कंट्री, जो देश के लिए अपने मर जाए, हु डाइज फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री या फॉर द डिफेंस ऑफ हिज कंट्री, उसको मार्टायर कहते हैं। मार्टायर का मतलब बच्चों शहीद। नेक्स्ट है बच्चों, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसा बच्चा जिसके माता पिता खत्म हो गए हों उसको ऑर्फन कहते हैं, अनाथ। एंड नेक्स्ट है बच्चों, हुइच एंड्स इन डेथ, जिसका अंत होता हो उसे हम मार्टल कहते हैं, नश्वर। नेक्स्ट है हुइच डज नॉट एंड, जिसका अंत ना होता हो अर्थात बच्चों वो इमार्टल हो उसे अमर कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, वह व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता हो उसको लिटरेट कहते हैं। लिटरेट का मतलब साक्षर। और इसी का अपोजिट होता है बच्चों, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ लिख ना सके उसे इलिटरेट कहते हैं। बस आई एल इसमें जोड़ देना है, जिसका हिंदी होता है निरक्षर। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों, ए पर्सन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी वह व्यक्ति जो हर चीज के ब्राइट साइड को देखता है यानी आशावादी, उस जिसकी अंग्रेजी होती है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी। और ये पर्सन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, जो हमेशा डार्क साइड को देखता हो उसको निराशावादी कहते हैं, जिसकी इंग्लिश होती है पेसिमिस्ट। तो बच्चों आप ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट भी पेसिमिस्ट लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है, वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज को जानता है वो कौन हो सकता है, ईश्वर, उसी को ऑमनीसिएंट कहते हैं यानी सर्वज्ञानी, या आप सर्वज्ञ लिख सकते हैं। सर्वज्ञ क्यों, गॉड के लिए आता है। और वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपलब्ध हो बच्चों उसको ऑमनी प्रेजेंट कहते हैं, ये भी ईश्वर के लिए आता है, जिसकी हिंदी होती है सर्वव्यापी, ऑमनी प्रेजेंट। इसी तरह से नेक्स्ट है, वन हु इज मोस्ट पावरफुल, जो सबसे शक्तिशाली हो बच्चों, जिसको हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, वह भी गॉड के लिए आता है, तो ऑमनीपोटेंट। ऑमनीपोटेंट माने सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट है, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, पानी से घिरा हुआ एक भूभाग, वो बच्चों आईलैंड कहलाता है। आईलैंड को हिंदी में हम द्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ए पर्सन ऑफ अंडर एज, जो अंडर एज का हो, कम उम्र का हो बच्चों, जिसको हम अवयस्क कहते हैं, जिसकी अंग्रेजी होती है माइनर, यानी पर अंडर एज के व्यक्ति को माइनर, यानी जो 18 वर्ष से कम होगा उसे हम माइनर कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, खाद्य। ओके, यानी एडिबल। और बच्चों व्हाट इज नॉट फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य ना हो उसे इनएडिबल कहते हैं। तो एडिबल का अपोजिट इनएडिबल होता है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, ए पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो उसको ग्लूटन कहते हैं। ग्लूटन का मतलब बच्चों पेटू, बहुत ज्यादा खाने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है बच्चों, दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, वह चीज जिसे यानी दैट कैन बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता जा सके। ओके, उसको हम विंसिबल कहते हैं। विंसिबल का मतलब जे, जिसे जीता जा सके। नेक्स्ट है बच्चों, दैट जिसे हम जीता ना जा सके, दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके
उसे इनविंसिबल कहते हैं यानी अजेय। तो इस प्रकार से बच्चों विंसिबल का अपोजिट भी इनविंसिबल है, यानी जे का अपोजिट अजेय है। एंड द नेक्स्ट है बच्चों स्पीच डिलीवर्ड विथ आउट प्रिपरेशन। कोई ऐसा स्पीच बच्चों जिसकी बिना तैयारी किए हुए आप दे, ऐसे भाषण को हम एक्सटेम्पोर कहते हैं। एक्सटेम्पोर EXTEMPORE एक्सटेम्पोर का मतलब है स्पीच डिलीवर्ड बाई विदाउट एनी प्रिपरेशन। ओके एंड द लास्ट है बच्चों ए पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, या बच्चों ए के बजाय आप लिख सकते हैं पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय पर रहने वाले व्यक्ति, यानी उनको हम समकालीन कहते हैं जिसकी अंग्रेजी कंटेम्पोरेरी होती है। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने 50 शब्दों को सीखा, यानी 50 यानी 50 वाक्यांशों के लिए वन वर्ड्स का हमने अध्ययन किया। आप शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को देख लें, याद कर लें और नोट अवश्य बना लें। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपके TET और CTET के पेपर में आ सकता है, आई एम श्योर। और ये बोर्ड पेपर के लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ यदि आप चैनल पर नए हो, आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो तो और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।